इस वीडियो में प्रश्न हम लोग पढ़ने वाले क्लास 10th गोल्डन एग्जामिनेशन गाइड का प्रश्न, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हिस्ट्री का, ठीक है प्रश्न, तो आप देख पा रहे होंगे इम्पोर्टेंट प्रश्न क्वेश्चन विद आंसर 2025 एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है मेरे भाई। तो चलिए शुरू करते हैं। खास कर प्रश्न तो मुझे ये गाइड बहुत ही पसंद आता है क्योंकि इसमें एकदम टू द पॉइंट रहता है, ठीक ना। हम भी जब तैयारी किए थे तो इस गाइड को हम फॉलो किए थे मेरे प्रश्न। तो एग्जाम आपको पता है मेरे भाई कि आपके पास बहुत सारे गाइड मार्केट में उपलब्ध हैं, लेकिन इसकी बातें अलग है क्योंकि ये प्रश्न टू द पॉइंट करता है जो आपके एग्जाम में 100% यहाँ से आने वाला है। फर्स्ट चैप्टर का नाम प्रश्न, तो यूरोप में राष्ट्रवाद उदय और विकास। तो फटाफट शुरू करते हैं। 19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास का क्या परिणाम था? ऑप्शन आप देखते जाइएगा और आंसर आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है प्रश्न। तो फर्स्ट का आंसर होगा राष्ट्रीय राज की स्थापना। दो चीज करिए, क्वेश्चन बैंक एक पढ़ते रहिएगा क्योंकि क्वेश्चन बैंक से भी रिपीट करता है और नया क्वेश्चन बनेगा ना तो यहीं से बनने वाला है। 1789 के फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ के किस राजवंश का शासन था? ठीक है, तो याद रखें प्रश्न, तो इसको राइट आंसर होगा बुर्बो वंश, ठीक है जी, बुर्बो वंश। आगे देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुआ? एग्जाम में काफ़ी बार ये पूछा गया प्रश्न है। 1804 इज द राइट आंसर। नेपोलियन संहिता प्रश्न तो कब लागू हुआ? 1804 में। अगर आपको याद है तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। देखिए मार्सेले किस देश के राष्ट्रगीत था? मार्सेले प्रश्न तो किस देश के राष्ट्रगीत था तो आपको याद रखना है, ठीक ना। इसका राइट आंसर होगा फ्रांस। यही सब नया क्वेश्चन है तो यही सब एग्जाम प्रश्न, तो न्यू क्वेश्चन जो बनते हैं 40% 60% प्रश्न तो आपका आ जाएगा क्वेश्चन बैंक से ही, तो यही सब क्वेश्चन आपको आने वाला है। इटली एवं जर्मनी वर्तमान के किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो याद रखें प्रश्न, तो इटली एवं जर्मनी वर्तमान के किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन नंबर डी करेंगे, यूरोप को, ठीक है जी, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, बिना कांग्रेस कब हुआ? ये भी एग्जाम में पूछा गया, ठीक ना। बिना कांग्रेस प्रश्न तो याद रखिएगा 1848 में, ये भी एग्जाम में काफी बार आया, बिना कांग्रेस प्रश्न तो 1848 में। आगे देखते हैं, बिना किसकी राजधानी थी? देखिए बिना प्रश्न तो किसकी राजधानी थी, थोड़ा सा हम इसको क्या करते हैं ना कि साइलेंट मोड में डाल देते हैं, ठीक है। ओ मेरे भाई, जो करने वाला थे ना वो होगा ही नहीं। चलिए ध्यान दीजिए प्रश्न, तो बिना किसकी राजधानी थी? सेवन का, ठीक है, तो सेवन का याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑस्ट्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिना सम्मेलन कांग्रेस के अध्यक्ष किसने की थी? ठीक है, तो याद रखिएगा आठवां का राइट आंसर होगा मेटरनिक ने। किसने किया था? मेटरनिक ने। नाइन नंबर क्वेश्चन प्रश्न, तो निम्नलिखित में से बिना सम्मेलन कांग्रेस के कौन सा राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? देखिए आपको एक बार जरूर पढ़ना है गोल्डन का एग्जामिनेशन गाइड में प्रश्न, ताकि आपके एग्जाम में 100% सफलता मिले, ठीक ना। हम बार बार आपको बोलते हैं, याद रखिएगा जर्मनी होगा। हम आपको बार बार बोलते हैं प्रश्न, तो कि जो न्यू क्वेश्चन बनेंगे वो इसी से आएगा और जो पुराने क्वेश्चन 40-60% रिपीट किए जाते हैं वो क्वेश्चन बैंक से आएगा। तो अभी के टाइम में आपके लिए दो चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बैंक तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट है, उसका प्रश्न तो 2011 से अभी दिया जा रहा है 2024 तक, एकदम कंप्लीट कीजिए, कंपल्सरी है, ठीक है। जैसे खाना खाते हैं ना वैसे प्रश्न आपको क्वेश्चन बैंक डेली पढ़ना है। बिना सम्मेलन कांग्रेस के पवित्र संघ की योजना को प्रश्न तो किससे प्रस्तुत की? ये सब नया टाइप के क्वेश्चन आपको देखने में लग रहा होगा, ठीक ना, रूस ने। मेटरनिक कौन था? ये सब एग्जाम में तो बहुत बार पूछा गया है, ऑस्ट्रिया का चांसलर। मेटरनिक कौन था? ऑस्ट्रिया का चांसलर। मेटरनिक व्यवस्था का क्या उद्देश्य था? 12 नंबर देखें प्रश्न, तो याद रखिएगा पुरातन व्यवस्था में विश्वास करता था, ठीक है, पुरातन व्यवस्था का पुनः स्थापना। जो मेटरनिक था प्रश्न, तो वो पुरातन व्यवस्था जो चलते आ रहा है ना वही व्यवस्था कायम रखना चाहता था। आगे देखें, देखिए एग्जाम में ये पूछा गया है कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी सब यूरोप और सर्दी को जुकाम हो जाता है। देख रहे मेरे भाई, फ्रांस जब छींकेगा ना तो बाकी सब यूरोपों को सर्दी और जुकाम हो जाता है, तो ये कथन किन का है? आपको लग ही रहा है सर जी ये हॉट एकदम क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आएगा तो आएगा, मेटरनिक का, ठीक ना। चलिए, कार्ल मार्क्स अज्ञात आगितिपियों द्वारा मेटरनिक में क्या संबंध है? ठीक है प्रश्न, तो याद रखिएगा तो ये होगा उदारवाद पर रोक लगाकर, उदारवाद पर रोक लगाकर, ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, यानी प्रश्न तो बी नंबर। आगे देखते हैं, दम टू द पॉइंट दम बात करते हैं प्रश्न, तो जो आपके बुक में दिया गया है अब देख पा रहे होंगे आपके 2025 के लिए है गोल्डन एग्जामिनेशन गाइड, ठीक है। मेजनी को हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन कहा था? देख रहे हैं ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आया है लेकिन लग रहा है कि आ जाएगा, मेटरनिक, ठीक ना, लग रहा है कि इस बार आएगा। आगे देखिए, यूरोपवासियों पर सबसे अधिक किस देश के साहित्य कला एवं ज्ञान विज्ञान, ये तो एग्जाम में आया था प्रश्न, तो यूनान हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यूनान हो जाएगा।
आगे देखिए, यूरोपीय सभ्यता का पालन किसे कहा जाता है, तो ये भी सिंपल चीज़ है। जैसे यूरोप रहना तो आपको आंसर यूनान ही लगाना है, जैसे यूरोप रहना पेरिस्तो तो आपको आंसर यूनान ही लगाना है। देखिए, नावारनियो की खाड़ी युद्ध में तुर्की के साथ किस देश का दिया, ये पेरिस्तो हम खुद पहली बार पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यही सब नया टाइप के जो क्वेश्चन रहता है ना माए भाई, वो लेके आता है गोल्डन एग्जामिनेशन गाइड, तो ये सबको आपको जरूर देखना है मिस्र के साथ, ठीक है। चलिए, एड्रियानोपल की संधि, ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है, जो भी पेरिस्तो एग्जाम में पूछा जाएगा हम बता देंगे आपको, क्योंकि मुझे पता है तुर्की और रूस के बीच। आगे देखते हैं पेरिस्तो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई, तो याद रखिएगा 20 का राइट आंसर पेरिस्तो ऑप्शन नंबर ख, तुर्की को। और इसका PDF बिल्कुल फ्री में आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, जरूर जुड़िए। अगर आपको सब्जेक्टिव में दिक्कत हो रहा है तो हमारा पेड ग्रुप से जुड़ सकते हैं, हम मेरे पास तो गेस क्वेश्चन दे रहे हैं, या तो हिस्ट्री को या साइंस का हो या मैथ का हो, 6203-8985-566 वही क्वेश्चन देंगे जो आपका एग्जाम में 100% आएगा, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव, तो आप जुड़ना चाहते हैं तो जरूर जुड़िएगा, लेकिन हाँ पेड है वही बच्चा मैसेज कीजिएगा जिनको 249 रुपये पे करना होगा, फ्री ग्रुप नहीं है, फ्री ग्रुप ऑनली टेलीग्राम पे, जो आपको कभी कभी PDF मिलता रहेगा। किस संधि के द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र का स्थापना की, ठीक है, तो ये प्रश्न आपको हम बता दिए, इसका क्या होगा ऑप्शन नंबर ग, ठीक है। चलिए पढ़ लीजिएगा आप लोग, थोड़ा लंबा चौड़ा ही लिखे ले। विक्टर म्यूलर ने किस पद पर नियुक्त किया, एक ही पद वाला क्वेश्चन आता है पेरिस्तो, याद होगा कॉन्ट काबूर को प्रधानमंत्री पर नियुक्त किसने किया था जी, फटाफट आपको बताना है, ठीक है। तो ये पेरिस्तो कॉन्ट काबूर को याद रखिएगा, कॉन्ट काबूर को क्या क्या विक्टर म्यूलर ने प्रधानमंत्री पर नियुक्त किया था। 1830 के क्रांति के बाद फ्रांस के किस प्रकार के शासन स्थापन हुआ, तो 23 का याद रखिए पेरिस्तो, संवैधानिक राजतंत्र। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, बहुत बार एग्जाम में आया, मोस्ट में भी आई क्वेश्चन, ये सब तो आपको याद ही होना चाहिए। तुर्की में देखिए बार बार हम बोल रहे हैं क्वेश्चन बैंक को फॉलो कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा आपका रिजल्ट। यंग इंडिया की स्थापना किसने की, यंग इंडिया की स्थापना पेरिस्तो किसने की, तो याद रखिएगा मेजनी ने, ठीक है मेरे भाई, मेजनी ने। आपको बिस्मार्क से याद होगा रक्त एवं लोह का नीति का उल्लंघन किसने किया था, बिस्मार्क ने। क्रीमिया के युद्ध संयुक्त सेना के साथ किसने दिया, देखिए ये सब अच्छा क्वेश्चन है और नया क्वेश्चन है, काबुर ने, ठीक है, तो यही सब एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। लाल कुर्ती का गठन पेरिस्तो किस किया था, लाल कुर्ती का गठन किया था याद रखिए गैरिबाल्डी ने, गैरिबाल्डी ने। फ्रीडर्स ऑफ इटली नामक संस्था गठन किया गया था, तो 28 का राइट आंसर क्या होगा, मेजनी ने। देख रहे हैं इसमें क्वेश्चन आपको नहीं आता होगा, मुझे 100% भरोसा है कि आपको नहीं आया होगा, ठीक है पेरिस्तो, जैसे 29 नंबर में आप भी लोग हट जाइएगा। नव गुल्फ आंदोलन कहाँ हुआ है, देख रहे हैं ये सब नया नया क्वेश्चन है, तो बस आप दो चीज़ कीजिए, बार बार बोलते हैं आपको इटली होगा इसका, ठीक ना। कार्बोनेरी की स्थापना, ये सब एग्जाम में आपको आया है, ये सब बहुत बार बना सकते हैं, 1810 में। आगे देखते हैं पेरिस्तो, नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजनी का संबंध किस संगठन से, एग्जाम में भर भर के आया है, कार्बोनरी से। मेजनी का संबंध पेरिस्तो किससे, कार्बोनरी से, एग्जाम में भर भर के ये पूछा गया है, ठीक है याद रखिएगा। लाल सेना पेरिस्तो कमेंट करके मुझे बताइए, तो लाल सेना और लाल कुर्ती किसने लिखा, ठीक है। चेका का संबंध पेरिस्तो लेनिन से है, चेका का संबंध लेनिन से है, और ये बताइए एक गैरिबाल्डी होगा लाल कुर्ती, एक पेरिस्तो टॉलस्टॉय, लियो टॉलस्टॉय, कौन किसका है ये आप लोग कमेंट करके बताइए। गैरिबाल्डी पेसिस क्या आता है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, नाविक होगा, क्या रहेगा पेरिस्तो, नाविक। जर्मनी के एकीकरण में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका है, ठीक है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव में भी आता है, तो याद रखिएगा बिस्मार्क की, क्या होगा बिस्मार्क की। राज के जर्मन महासंघ की स्थापना किसने की थी, ये सब पेरिस्तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, ठीक ना, हम बार बार आपको बोल रहे हैं, तो नेपोलियन बोनापार्ट। बिस्मार्क प्रथा का प्रधानमंत्री किस वर्ष बना, बिस्मार्क प्रथा का पेरिस्तो प्रधानमंत्री किस वर्ष बना, 35 नंबर का आपको कमेंट करके मुझे बताना है क्या होगा, याद रखिएगा 1864 में। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध लड़े, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, 3, क्या अगर पेरिस्तो 3। सेडोवा का युद्ध किसके पराजय हुआ, सेडोवा के युद्ध में किसकी पराजय हुआ, 37 का, तो ये ऑस्ट्रिया, ठीक है ऑस्ट्रिया, आपको बार बार हम बोल रहे हैं कि याद करते जाइएगा, ठीक है टाइम कम है। सेडोन का युद्ध किनके बीच हुआ, सेडोन का युद्ध पेरिस्तो किनके बीच हुआ था, फ्रांस और पर्शा के बीच। और सेडोन के युद्ध कब हुआ, 39 का आप लोग कमेंट करके बताइए, तो 1870 में, ठीक है। चलिए, सेडोन के युद्ध में पेरिस्तो किसकी पराजय हुई, तभी ना हम बताए थे जी आपको, बताइए फ्रांस की, ठीक है फ्रांस की पराजय हुआ था।
सिडोवा का युद्ध, देखिए एक सिडोन है एक सिडोवा का युद्ध प्यास्तु कब हुआ था, तो याद रखिएगा 66 में, ठीक है 1866 में। किस संधि के द्वारा जर्मनी के एकीकरण का पूरा हुआ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भी है, आपको याद रखना है फ्रैंकफर्ट के संधि, ठीक ना फ्रैंकफर्ट के संधि। और लास्ट क्वेश्चन है प्यास्तु इस चैप्टर का, लगता है दो चार क्वेश्चन और है, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ, देख रहे हैं एक जर्मनी के एकीकरण संधि हुआ ये युद्ध वाला है, तो आपको दोनों में प्यास्तु एक ही जगह दिया, तो याद रखना है सिडोन का युद्ध, सिडोन का युद्ध। यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत कहाँ से हुई, यूरोप में प्यास्तु राष्ट्रवाद की शुरुआत कहाँ से हुई, 44 का आपको कमेंट करके मुझे बताना है, क्या होगा फ्रांस से। राइन राज संध का स्थापना, ओहो मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है, ठीक है नेपोलियन बोनापार्ट प्यास्तु राइन राज संध की, इसका देता है बिस्मार्क, ठीक है जी बिस्मार्क देता है, एक बार आप लोग इसको चेक कर लीजिएगा, देखिए इसमें आंसर दिया है का नंबर, ठीक ना एक बार आप लोग इसको चेक कीजिएगा इस आंसर को। तो और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है यूनान इनमें से किस देश के अधीन था, तो इसका प्यास्तु तुर्की, ठीक है आप देखिए इसमें प्यास्तु नेक्स्ट जो है वो चैप्टर 2 है समाजवाद सामवाद, तो ये प्यास तो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में लेके आएंगे, प्लेलिस्ट बना देंगे आप जरूर देख लीजिए, बस दो काम कीजिए, क्वेश्चन बैंक के ऑब्जेक्टिव याद कर लीजिए, एक बार गोल्डन एग्जामिनेशन गाइड पढ़ लीजिए, ताकि नया क्वेश्चन यहाँ से कवर हो जाएगा आपका 40%, आप पुराना क्वेश्चन 60% तो गोल्डन गाइड से ही आएगा, इतना अगर करते हैं तो एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में अगर छूट गया तो प्यास तो आप आके हमारे से बात कर सकते बोल सकते हैं, उस दिन से आपको पढ़ाना छोड़ देंगे, यूट्यूब पर ही नहीं पढ़ाएंगे इतना विश्वास रखिएगा, ठीक ना इतना कर लीजिएगा तो आपको 100% सिलेक्शन में प्यास्तु जो कहते हैं ना 100% आपका रिजल्ट होगा, अच्छा होगा बहुत बवाल होगा धमाल होगा। मैं प्यास्तु अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, ठीक है चैनल पर पहली बार आएंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मिलेंगे प्यास्तु हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।